भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और ओलंपियन पहलवानों का विवाद दोबारा तूल पकड़ता दिख रहा है और एक बार फिर देश के जाने माने रेसलर्स और ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के शुरू होने के बाद DCWA की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? वहीं विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने बताया कि हम 2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला। पहलवान दिनेश फोगाट ने कहा कि 3 महीने हो गए और हमें न्याय नहीं मिला। जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारी चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ मिले तो इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो जरूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां या रोड पे बैठी तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ। इतना ही नहीं, पहलवानों ने आगे बताया कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा किया गया था, लेकिन अब 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, क्या आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? CBI जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना, हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम तो रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जनवरी में WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने मनमानी करने और महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाते हुए 1 महीने में जांच की बात कहते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन पहलवानों का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।